श्यान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आज हम लोगों ने देखा एक ह्यूज गैप डाउन के बाद येस थोड़ा नीचे गया अपने प्रीवियस लोस के, डे लो को भी ब्रेक करा था उसने एंड आफ्टर दैट एक बहुत ब्यूटीफुल रिकवरी देखने को मिली है। अब क्या ये रिकवरी सिर्फ एक पुल बैक है या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है? सो अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की या चार्ट्स की बात करें तो हमें लग रहा है कि शायद ये सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक है और एक फॉल दोबारा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तो हमें लग रहा है कि ये वाली जो थर्सडे की एक्सपायरी होने वाली है या ये वाला जो मंथ की एक्सपायरी होने वाली है ये शायद अपने अपने प्रीवियस लोस को अब ब्रेक ना करे। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट वी जनरली फॉलो टेक्निकल एनालिसिस तो चेक करते हैं। कुछ लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ बट अगर डेफिनेटली मार्केट ऑप्शन के बेसिस पर हमें ऊपर लग रही है और टेक्निकल के बेसिस पर नीचे लग रही है तो मार्केट जनरली साइडवेज वर्क कर सकती है। अगर मार्केट साइडवेज वर्क कर सकती है तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे तीन स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ जिस पे आप लोग डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं अगर उन पे हमारा लेवल के ऊपर वो जाना स्टार्ट करता है। सो लेट्स गो विद दिस वीडियो। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भी मेरा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का वेबिनार अटेंड करा था, जिन लोगों ने भी अटेंड करा है डोंट वरी, आप लोगों को विद इन टू डेज रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाएंगी प्लस आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड आज से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा गाइस मैं एक दोबारा वीडियोस एक नई वीडियो की सीरीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड एंड जैसे जिस तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को तीन स्टॉक्स बताता हूँ वहाँ पर मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दो या तीन क्रिप्टोज भी बताऊँगा कि जिसपे आप ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रेड करके कुछ साइड इनकम क्रिप्टो से भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? एंड उसका पूरा का पूरा अपडेट मतलब कब एग्जिट करना है बिकॉज मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो सारा अपडेट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ एंड बहुत बढ़िया लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। अभी करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना, करंट लेवल्स इसका 1783 रुपीज़ का है, मैं आपको लेवल बता देता हूँ बट एक बार चार्ट स्ट्रक्चर आप लोग समझिए। देख सकते हैं कंटिन्यूस ऑन अ राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पास्ट बहुत टाइम से, ये हायर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली हम लोगों ने देखा था कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे मंडे को इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करा, इस पर रिस्पेक्ट लिया एंड आज ऊपर जाके खुला भी, गैप अप थोड़ा सा खोला और ऊपर जाके क्लोजिंग दी अपने प्रीवियस क्लोजिंग से। सो आई थिंक ये स्टॉक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप चेक करेंगे आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया इम्पल्स मूव आई थी आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव। ये एक रेंज के अंदर था, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट एंड ऊपर गया, तो मतलब ये जो लेवल था ये लेवल एक ब्रेकआउट लेवल था। एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया है एंड एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसी लेवल पे है। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस स्टॉक को बाय करने के लिए, बट कौन सा लेवल है अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है, उस हर्डल के ऊपर ही हमें बाय करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड ये है हमारी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बाय होगा एंड ये एक हर्डल और है, अगर इस हर्डल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो हमारे लिए एक बाय सेटअप और अच्छा जनरेट हो सकता है। सो लेट मी शो यू इस लेवल के ऊपर। यस, अब इस लेवल के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इस लेवल से एक बहुत बड़ा रिवर्सल आया था, इस लेवल पे दोबारा नीचे आया था और फिर ब्रेकआउट दिया था इसी लेवल से, तो आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, दोबारा इस लेवल के नीचे आया है। अब जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, ठीक है? सो आई पर्सनली थिंक जब ये 1805 रुपीज के ऊपर निकलेगा आप तब बाय कर सकते हैं। इसके जो टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट टारगेट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है? ऑलमोस्ट अराउंड 1835 टू 1814 मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट जल्दी आ जाता है, कल मॉर्निंग में ब्रेकआउट आ जाता है और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इस पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है? सो इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करेगा, स्टॉक का नाम है ग्रासिम। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस मेरा दूसरा स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक
हम लोगों ने रेजिस्टेंस चैनल बना रखा था, एक सप्लाई चैनल था, एंड एग्जैक्टली सप्लाई चैनल का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हमें एग्जैक्टली इस लेवल पे देखने को मिला था। इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने के बाद बहुत बार आप देख सकते हैं इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव इट कंसोलिडेटेड अ बिट। आप देख सकते हैं दोनों लाइंस मर्ज कर रही है एंड इट टाइप फॉर्म्ड अ बुलिश पेनेंट पैटर्न। आफ्टर फॉर्मिंग अ बुलिश पेनेंट पैटर्न इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एट पर्टिकुलर दिस लेवल। लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं इस लेवल से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट सस्टेन्ड एट दिस लेवल, इट गेव अ पॉज, इट गेव अ रीटेस्ट। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हम लोग दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बाय कहाँ करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलते हैं अपने दोबारा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर। आप देख सकते हैं हमने एग्जैक्टली बॉटम से बहुत बड़ा एक इंपल्स मूव आई थी, तो येस आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव थोड़ा सा ये पॉज या रिट्रेसमेंट ले रहा है। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये एक छोटा सा हर्डल है, इस हर्डल के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। सो अभी करंट प्राइस है 138 रुपीज का, 140 रुपीज के ऊपर अगर ये जाता है तो अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड ये अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉक का नाम SCI वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड स्टॉक की। सो हमारा थर्ड स्टॉक है कार्बो रेंडम यूनिवर्सल। कार्बो रेंडम यूनिवर्सल पे भी एक मुझे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हम लोगों को डिमांड जोन देखने को मिला था। एग्जैक्टली इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिलता था, यहाँ पर भी एक रिवर्सल देखने को मिला था एंड आफ्टर दैट ये आप एक रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं। इस रेजिस्टेंस लाइन का इसने बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा रेंज के अंदर आ गया था, दोबारा ये साइडवेज चला गया था एंड आफ्टर गोइंग साइडवेज अब इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है कि एक ब्रेकआउट दोबारा दे सकता है। आफ्टर दैट अगर हम लोग इसका टाइम फ्रेम ओपन करते हैं 1 आवर का, तो 1 आवर पे आप लोगों को और कुछ देखने को भी मिलेगा। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद अब यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस हुए थे, इस लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था और इसी लेवल का ब्रेकआउट दिया था। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, अभी आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने रीटेस्ट करा इसी लेवल को और रीटेस्ट करने के बाद एक बाउंस आया, एक रिवर्सल आया और अब ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो गया। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगर कल ट्रेडिंग सेशन पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है 908-909 के ऊपर तो ये अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है और 930-935 रुपीज तक भी इजिली जा सकता है। स्टॉक का नाम है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, आप इसको वॉचलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो लेवल्स बताए गए हैं उस लेवल के ऊपर जाए, सस्टेन करें तभी बाय करिएगा, क्योंकि मार्केट वीक भी हो सकती है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, तो वहां पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट ना हो जाए और मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट ना दे, उस वजह से पहले स्टॉक को उस लेवल के ऊपर सस्टेन होने देना, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की, एंड अगर ये बाय चांस एक पुल बैक है तो कहां से हम लोगों को शॉर्ट करने की तैयारी करनी चाहिए, या फिर अगर एक रिवर्सल है तो क्या ये गुड टाइम है बाय करने का निफ्टी बैंक निफ्टी को, चलिए स्टडी करते हैं। ओके, सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली एक चीज पता है, एक बहुत बड़ा फॉल आया था एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड फॉल इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक दोबारा फॉल आया। अब पहले स्टडी करते हैं, देखिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, पुल बैक कितना बड़ा है, पुल बैक आया ऑलमोस्ट 50-61% फिबोनाची के बिल्कुल आसपास, ठीक है, एंड उसके बाद एक दोबारा फॉल आई, दोबारा फॉल आने के बाद एक दोबारा पुल बैक आया एंड ये पुल बैक कहाँ तक आया, लेट मी शो यू, ये पुल बैक आया ऑलमोस्ट 78%। तो मतलब पहला जो पुल बैक था वो 61% के आसपास था, दूसरा पुल बैक आया 78% के आसपास एंड अब ये जो एक फॉल आया है, इस फॉल का अगर हम लोग पुल बैक ढूंढने की कोशिश करते हैं सो दैट शुड बी अराउंड 61, तो यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटा से ये अप मूव दे सकता है। बट अगर हम लोग बात करें तो ये फॉल करने के बाद एक पुल बैक छोटा सा आया था, ये कुछ ज्यादा बड़ा पुल बैक नहीं था बट वहां पर एक गिरावट और ज्यादा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो आई थिंक ये जो एक लेवल है ये क्रूशियल लेवल है, लेट मी ड्रॉ दिस लेवल एज वेल, ये क्रूशियल लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक क्लैरिटी और अच्छी देखने को मिल सकती है। अब दूसरी चीज, मैंने अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, नॉन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये जो एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी ना, इस बहुत बड़ी गिरावट का मैंने आपको दिखा देता हूँ, इस पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया एंड अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें पता चल रहा है इस लेवल पे एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब वो लेवल क्या है, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 61 और 50% ये एक क्रूशियल लेवल है फॉर अ पुल बैक। अगर ये इस लेवल के ऊपर चले जाता है, इस लेवल के ऊपर चले जाता है और सस्टेन करता है, ठीक है, तो तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने 17,800 तक जा सकता है। अब लॉजिक क्या है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है एग्जैक्टली इस लेवल पे कि ये एक रिवर्सल है या फिर एक छोटा सा पुल बैक और एक गिरावट और आ सकती है, सो हम लोगों ने एक लेवल डिसाइड करा हुआ है, ये लेवल है 17,600। अगर 17,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो
तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,800 भी मार्केट जा सकती है, 17,750 तक मार्केट जा सकती है। बट अगर यहां पर आके एक रिवर्सल आता है तो हम लोग वहां पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और अपना जो टारगेट रख सकते हैं अपने प्रीवियस लो रख सकते हैं। अब दूसरी चीज, क्या ये एक रिवर्सल एक्चुअल में है, क्या ये सिर्फ पुल बैक है? देखिए रिवर्सल भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड फॉल एक वी शेप रिकवरी आ रही है। आप देख रहे हैं इस लेवल पे सस्टेन करा, एक वी शेप रिकवरी के साथ ऊपर जा रहा है। सो डेफिनेटली एक अगर वी शेप रिकवरी है तो इसे हम लोग पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल भी मानते हैं। अगर ये पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल है तो डेफिनेटली 61.8% के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, 17,600 के ऊपर ये हमें ट्रेड करना होना बाय साइड, और अगर इस रेंज से अगर ये नीचे आना स्टार्ट होता है तो हम लोग शॉर्ट पोजिशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट और एफआईआई का डाटा भी स्टडी। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड इस पर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है कि इस पर रिवर्सल भी है या ट्रेंड रिवर्सल है या फिर एक पुल बैक है। बिकॉज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फॉल आया, आफ्टर गिविंग अप फॉल इसने पुल बैक लिया, दोबारा एक फॉल आया, दोबारा पुल बैक लिया एंड बहुत बड़ा फॉल दोबारा आया। अब यहाँ पर अभी हम लोग कन्फर्मेशन में नहीं है कि ये एक वी शेप रिकवरी है, बिकॉज इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस प्राइस एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम लोगों को रिकवरी देखने को मिली है। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर कल एक गिरावट आती है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर तो शायद ये लेवल दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर ट्रेड करना होना लॉन्ग साइड तो बैंक निफ्टी को आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते, एग्जीक्यूट ना करें एंड निफ्टी पे आप लोग बुलिश ट्रेड लें। और अगर आप लोगों को बियर ट्रेड चाहिए तो बैंक निफ्टी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल साइड के लिए, और बाय साइड के लिए निफ्टी एक ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने एक फिबोनाची ड्रॉ करा तो एग्जैक्टली इस लेवल पे 50% पे आके ये नीचे आना स्टार्ट। सो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे या परसों के कोई भी ट्रेडिंग सेशन पे अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, विच लेवल इज दिस 37,450 रुपीज़ के ऊपर अगर ये जाना स्टार्ट करता है तब हम लोग अपने टारगेट या बाय साइड पे जा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 37,630 रुपीज़। अदर देन दैट अगर मेरे को लगता है कि पॉसिबल रिवर्सल ये कहाँ पर दे सकता है, अगर इस पर गिरावट आती है, अगर ये फॉल करता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जो सेलिंग करनी चाहिए That should be around below 37,050 के नीचे आप लोग एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं एंड देन हम लोग मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 36,800-37,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ट्रेंड कोई बढ़िया हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, निफ्टी के अंदर हम लोगों ने एक रेंज बता दी है 17,600 के ऊपर लॉन्ग है एंड अगर उसी लेवल पे सस्टेन करके एक पॉसिबल रिवर्सल दिखाता है पुल बैक के थ्रू तो हम लोग वहां पर शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 17,600-17,580 एक क्रूशियल लेवल है। अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा की, एफआईआई डाटा की एंड वीडियो को एंड करते हैं। सो हम लोगों ने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कर लिया है ओपन एंड यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉल चेंज नेगेटिव 10 मिलियन एंड पुट चेंज पॉजिटिव 10 मिलियन है, यानी एक पॉसिबल मतलब मास डिफरेंस देखने को मिला है जो कल के ओपन इंटरेस्ट के डाटा के अंदर था। यहां पर आप देख सकते हैं 17,500 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और 17,500 का ही क्लोजिंग प्राइस है। अगर कल एक गैप अप देखने को मिलता है वो 17,550-17,560 पे होता है तो डेफिनेटली गाइस कल एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी 17,500 के है। तो अगर कल गैप अप खुलेगा और एक्सपायरी के बिल्कुल पास होगा, वो मतलब एक ही दिन बचा होगा फिर एक्सपायरी को, तो जितने लोगों ने भी 17,500 का कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ होगा अगर कल गैप अप खुलता है 50-60 रुपए ऊपर गैप अप खुलता है तो लोगों को लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो लोग बुक करना स्टार्ट हो जाएंगे अपने लॉसेस को। उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट और ऊपर जा सकती है एंड जितने भी यहाँ पर जितने लोगों ने भी 17,300-17,200 पे पुट राइटिंग कर रखी है वो लोग और आगे की तरफ पोजीशन को शिफ्ट करेंगे और 17,400-17,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। बट अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है ऑन स्टार्टिंग बेसिस और वो 50-60 रुपए नीचे खुल जाता है तो जितने भी ये पुट राइटर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं उन लोगों को हैवी लॉसेस स्टार्ट होना हो जाएंगे और यहाँ पर 17,500 पे और कॉल राइटर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी, पोजीशंस ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड उसकी वजह से फिर वो डायरेक्टली 17,300 तक भी लेकर जा सकता है। सो इस बात को याद रखिएगा कि मार्केट किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर सकता है, निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अब बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल चेंज नेगेटिव 0.4 मिलियन है, पुट चेंज 5.8 मिलियन है, तो ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड ये भी अच्छी बात है।
हैवी पुट राइटिंग है 37,000 के अंदर, अभी 37,270 चल रहा है। सो मेनली अगर इस लेवल तक आता है तो एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बट मेरे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू लग रहा है कि 37,000 अगर ब्रेक करता है तो वहां पर क्लियरली शॉर्ट कर सकते हैं। हैवी कॉल राइटिंग हम लोगों को तीन लेवल्स पे देखने को मिल रही है, 37,400, 500 एंड 600 रुपीज पे। सो यानी कि वो एक क्रूशियल हर्डल बन सकता है। अगर कल मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पे बैंक निफ्टी खुलता है तो जितने भी कॉल राइटर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर पोजीशन और एडअप होना स्टार्ट हो जाएगी और बैंक निफ्टी तब वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें कम से कम 100 रुपए की ऊपर की गैप अप या गैप डाउन चाहिए तभी हम एक ट्रेंड पे चल सकते हैं। मतलब अगर कल 100 रुपए ऊपर गैप अप खुलता है तो एक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा पूरे दिन, अगर 100 रुपए नीचे खुलता है तो ट्रेंड पूरे टाइम बियरिश रहेगा। बट अगर 100 रुपए के अंदर खुलता है तो ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहेगी, स्टॉप लॉसेस बहुत हिट हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो मेनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग निफ्टी पे ही शॉर्ट या लॉन्ग का ट्रेड लेना। इसके अलावा अगर हम लोग चेक करें तो एफआईआई का अगर हम लोग देखें तो कॉल उन्होंने 1.32 लाख क्वांटिटीज बाय करी है, अदर देन पुट उन्होंने 3 लाख क्वांटिटीज बाय करी है, तो डेफिनेटली वो लोग बुरिश है। इंडेक्स फ्यूचर उन लोगों ने लॉन्ग करा हुआ है बट उन लोगों ने एफआईआई ने स्टॉक में 4,500 करोड़ की सेलिंग करी। यस गाइज, मतलब आप मान के चलो 3 दिन के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा के वो लोग कैश मार्केट पे स्टॉक्स को बेच चुके हैं, कैश मार्केट से पैसा निकाल चुके हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 50% भी FIDIs ने पैसा नहीं डाला है, तो वो भी ज्यादा मार्केट पे बुलिश नहीं है, वो लोग मार्केट पे ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकती है, ठीक है, स्लाइटली अप ट्रेंड रह सकती है, तो इस बात को मार्केट को वॉच जरूर करना। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ज्यादा कॉल ऑप्शन सेलिंग करके मत चलना बिकॉज मार्केट 500, 500, 600, 600 पॉइंट लेकर चल रही है और एक्सपायरी वाले टाइम पे आप दूर दूर की रेंज डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है प्लीज शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड जिसपे आप बाय कर सकते हो एंड 2022 पे वो आप लोगों को अच्छा खासा पैसा कमवा के दे सकती है गाइस। सो डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो एज वेल, मैं आज रात तक या फिर कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। Thank you guys, have a good day, bye bye, good night.